1900 किलोमीटर चली साइकिल और तब चेता पुलिस प्रशासन। सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन है ये सत्य। आपको 1900 किलोमीटर चली साइकिल और तब चेता पुलिस प्रशासन। सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन है ये सत्य। आपको बता दें कि हाथरस के थाना सासनी इलाके के गांव द्वारकापुर के किसान सतीश चंद्र का 11 वर्ष का दिव्यांग पुत्र गोदना पिछले 6 माह से लापता है। वह 24 जून को घर से पढ़ने तो गया था, लेकिन वापस कभी ना आया। अपने गुम हुए बच्चे की तलाश में सतीश ने पिछले 6 माह से लगभग 1900 किलोमीटर साइकिल चलाकर यूपी के टूंडला, कानपुर, मथुरा, झांसी शहरों के अलावा दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान के कई शहरों में भी उसकी खोज की है, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा। सतीश चंद्र को अपने बेटे के मिलने की आशा है। उसका कहना है कि उस पर 2.5-3 बीघा खेत है, जो खेती न कर पाने के कारण बंजर हो गया है, और कमाई न होने से तथा पत्नी की बीमारी के इलाज के चलते उस पर कर्जा भी हो गया है। सतीश ने पुलिस को बताया कि उसके पास 3 बच्चे थे, जिनमें से लड़की की बीमारी से मौत। 1900 किलोमीटर चली साइकिल और तब चेता पुलिस प्रशासन। सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन है ये सत्य। आपको बता दें कि हाथरस के थाना सासनी इलाके के गांव द्वारकापुर के किसान सतीश चंद्र का 11 वर्ष का दिव्यांग पुत्र गोदना पिछले 6 माह से लापता है। वह 24 जून को घर से पढ़ने तो गया था, लेकिन वापस कभी ना आया। अपने गुम हुए बच्चे की तलाश में सतीश ने पिछले 6 माह से लगभग 1900 किलोमीटर साइकिल चलाकर यूपी के टूंडला, कानपुर, मथुरा, झांसी शहरों के अलावा दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान के कई शहरों में भी उसकी खोज की है, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा। सतीश चंद्र